मैं आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी और चटपटी टमाटर की चटनी बनाना बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। इसे आप पूड़ी, पराठे, चपाती, चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं और इसे स्टोर करके 1.5 से 2 महीने के लिए भी रख सकते हैं। और चटनियाँ तो सभी को वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। चटनी बनाने के लिए ये हमने एक क्लोज एकदम सख्त और लाल टमाटर लिए हैं। इधर हमने पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये पानी गर्म हो गया है, जो हमने टमाटर लिए थे वो हम पानी में डाल देते हैं। हमें पैन में इतना पानी डालना है जिससे कि टमाटर डूब जाए। टमाटरों को बॉईल होने देते हैं। टमाटर को हमें जब तक बॉईल करना है जब तक कि इसके ऊपर का छिलका निकल नहीं जाता। ये हमने 8 से 10 सूखी वाली लाल मिर्च ली है, उन्हें भी डाल देते हैं। वो भी टमाटर के साथ सॉफ्ट हो जाएंगी और टमाटरों को मीडियम हाई फ्लेम पर सॉफ्ट होने देते हैं। अब ये मिर्च और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर के ऊपर जो छिलका होता है वो भी निकलने लगा है। बस हमें टमाटर को इतना ही पकाना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मिर्चों को इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अब टमाटरों को भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी टमाटरों को निकाल लिया है। अब हम टमाटरों को ठंडा होने देते हैं क्योंकि टमाटर अभी काफी गर्म है। अब मिर्च के ऊपर जो डंठल है उसे हम निकाल देते हैं। ये हमने मिर्च की सभी डंठल को निकाल दिया है। ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब हम मिर्च को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब हम मिर्च को मिक्सी से बिना पानी डाले दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने मिर्च को मिक्सी से दरदरा पीस लिया है। अब इधर टमाटर भी हल्के ठंडे हो गए हैं। अब टमाटरों के ऊपर जो छिलका है उसे हम निकाल देते हैं। इस तरीके से हम टमाटर के सभी छिलकों को निकाल देंगे। ये हमने सभी टमाटरों के छिलकों को निकाल लिया है। अब हम टमाटरों को इस तरीके से मैश कर लेते हैं। हम टमाटरों को मिक्सी से नहीं पीसेंगे। अगर हम मिक्सी से पीसेंगे तो टमाटर का पेस्ट बन जाएगा, उसकी वजह से चटनी खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। अगर हम इस तरीके से इसको मैश करेंगे तो जो टमाटर के चंक्स होते हैं वो चटनी में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और देखिए टमाटर का जो हार्ड वाला पोर्शन है उसे हम निकाल देते हैं। आप चाहे तो टमाटरों को मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इस तरीके से आप टमाटर को मैश कर लें। ये चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको भी ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके से हम सभी टमाटरों को मैश कर लेंगे। जो टमाटर का हार्ड वाला पोर्शन है उसे हम निकाल देते हैं। ये हमने सभी टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देते हैं। हमें इसमें ऑयल ज्यादा डालना है क्योंकि ये ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। ये हमने 1 टीस्पून राई लिया, वो डाल देते हैं। राई को तड़कने देते हैं। राई तड़कने लगी है। 1 टीस्पून जीरा, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। 2 चुटकी हींग, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कद्दूकस कर लिया वो भी डाल देते हैं। ये हमने 7 से 8 लहसुन की कलियां ली है जिसे छोटे पीस में काट लिया है, वो भी डाल देते हैं। और सभी चीजों को हल्के गोल्डन कलर का भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें हल्के गोल्डन कलर की हो गई हैं। ये जो हमने टमाटर लिए थे अब हम टमाटरों को इसके अंदर डाल देते हैं और टमाटर को मिक्स कर देते हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। ये जो हमने मिर्च पीसी थी वो भी डाल देते। मिर्च को टमाटर में मिक्स कर लेते।
आप साबुत मिर्च की जगह 2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस चटनी को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाएंगे कि जब तक कि टमाटर का पानी इसमें सूख न जाए और चटनी गाढ़ी हो जाए। अब ये चटनी गाढ़ी हो गई है और चटनी ने ऑयल भी छोड़ दिया है। बस हमें इस चटनी को इतना ही पकाना है। आप देख पा रहे चटनी का कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं, नमक टेस्ट के अनुसार। नमक को चटनी में मिक्स कर देते हैं। अब हम इस चटनी को लंबे टाइम तक स्टोर करेंगे और जिससे कि ये खराब ना हो तो उसके लिए ये हमने विनेगर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून विनेगर डाल देते हैं। इसके डालने से एक तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और चटनी के अंदर खटास आएगी, उसकी वजह से चटनी और भी ज्यादा खाने में टेस्टी लगेगी। विनेगर डालने के बाद हमें चटनी को ज्यादा पकाना नहीं है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चटनी को ठंडा होने देते हैं। अब ये चटनी ठंडी हो गई है। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है और चटनी का कितना बढ़िया कलर आया है। ये चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब हम चटनी को सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया चटपटी और चटकारेदार टमाटर की चटनी बनके तैयार हुई है। आप भी इसको बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपकी चटनी कैसी बनी और आपको ये चटनी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये चटनी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको सब्जी अच्छी नहीं लग रही है तब भी आप चपाती के ऊपर इस चटनी को लगा करके खाना आराम से खा सकते हैं, क्योंकि बनती इतनी टेस्टी है। आप चाहे तो इस चटनी को 1.5 से 2 महीने के लिए बोतल में भर करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपकी खाने की इच्छा है तब आप इसको निकाल करके खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इस चटनी को कब बना रहे हैं। मेरा तो इस चटनी को देखते ही खाने का मन कर रहा है। अब मैं इस बोतल का ढक्कन लगा करके इस चटनी को फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।